पहले तो मैं आ जाता हूँ अपने फोन स्क्रीन पर, उसके बाद जो है दोस्तों हमें जो है प्ले स्टोर पे आ जाना है। प्ले स्टोर पे आने के बाद हमें जो है एयरटेल रेंजर ऐप डाउनलोड करना है, कुछ इस प्रकार का उसका जो है लोगो है, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ कि कैसे जो है आपको एयरटेल रेंजर ऐप में वर्क करना है, कैसे आपको यहाँ पे ऑनबोर्डिंग करना है, सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को लाइव बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जिसका भी डाउनलोड है वो जो है आगे प्रोसेस कर सकता है, मैं जो आप लोगों को डाउनलोड करके भी बता रहा हूँ, और हो सके तो मैं इसका एप्लीकेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, अगर नहीं दिया तो आप जो है डाउनलोड कर लेना, एयरटेल रेंजर ऐप लिख के डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा जो है ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया है, उसके बाद मैं ओपन कर रहा हूँ एप्लीकेशन को। जैसे आप ओपन करेंगे यहाँ पे जो अपना लाफू नंबर और पासवर्ड देके आप लॉगिन कर पाएंगे, तो मैं अपना लाफू नंबर और पासवर्ड देके लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप जो है यहाँ पे से अपना लाफू नंबर पासवर्ड देके लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों लॉगिन कर चुका हूँ। दोस्तों हमें जो है यहाँ पे मर्चेंट ऑनबोर्डिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही हम मर्चेंट ऑनबोर्डिंग पे क्लिक करेंगे हमें जो यहाँ पे मर्चेंट का मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, हमें जो है वो फिलअप करना है। उसके बाद वो सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है, मर्चेंट के फ़ोन पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे जो है हमें फिलअप करना है। जैसे ही हम ओटीपी को मर्चेंट के नंबर से लेकर अपने नंबर पे यहाँ पे ऐड करेंगे, उसके बाद हमें जो है यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों हमें जो यहाँ पे आधार कार्ड के द्वारा से एक आधार बायोमेट्रिक, एक आधार ओटीपी और एक आधार वेरिडेशन, तो यहाँ पे जो आधार वेरिडेशन पे क्लिक करना है, यानी कि सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो हमें आधार नंबर देना है, आधार नंबर देने के बाद मर्चेंट का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम देना है। अगर मर्चेंट का मिडिल नेम नहीं है तो आप जो है लास्ट नेम दे सकते हैं, तो और मिडिल नेम के जगह पे आप यहाँ पे खाली भी रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मर्चेंट का जो है डेट ऑफ बर्थ देना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पैन कार्ड नंबर देना है, अगर पैन कार्ड नंबर नहीं है तो नहीं भी दे सकते, ईमेल आईडी भी नहीं दे सकते। उसके बाद दोस्तों अगर मर्चेंट का अल्टरनेट नंबर है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज उसे भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम जो है यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे आगे के स्टेप हमें जो है सारा कुछ पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों मैं पहले नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, यानी सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट में क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों हमें जो यहाँ पे नेक्स्ट पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जो है शॉप एड्रेस हमें जो है फिलअप करना है विद नेम के साथ, ऊपर जो है शॉप नेम देना है, यानी कि जिस शॉप का हम जो है ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं उस शॉप का क्या नेम है, प्रॉपर तरीके से हमें जो है यहाँ पे देना है। और दोस्तों जो नेम देना है वो हम चेंज नहीं कर पाएंगे, शायद बाद में चेंज कर सकते हैं, अभी जो है हम नहीं चेंज कर पाएंगे, तो इसीलिए दोस्तों हमें जो है सही तरीके से यहाँ पे नेम देना है। उसके बाद शॉप का एड्रेस हमें देना है अच्छी तरीके से, जिस एड्रेस पे शॉप है प्रॉपर वही एड्रेस हमें जो है यहाँ पे दे देना है। तो दोस्तों मैं जो है सारा कुछ यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, ऊपर जो मैंने शॉप का नेम दिया उसके बाद एड्रेस दिया, उसके बाद अपना यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने से पहले यहाँ पे जो शॉप का कैटेगरी भी सिलेक्ट करना है, तो मैंने जो है शॉप का कैटेगरी सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दिया। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कैटेगरी पे सिलेक्ट करने के बाद हमें जो है कुछ देर वेट करना पड़ेगा। उसके बाद हमें जो है यहाँ पे बैंक सिलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा बैंक में हम ऐड कर रहे हैं, यानी कि मर्चेंट का जो एयरटेल मर्चेंट ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं वो कौन सा बैंक से अटैच करना चाह रहे हैं, यानी कि कौन से बैंक में पेमेंट लेना चाह रहे हैं। अगर एयरटेल पेमेंट बैंक है तो आप एयरटेल पेमेंट बैंक से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देके काम कर सकते हैं, अगर अदर्स बैंक है तो यहाँ पे जो है अदर्स बैंक का अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड हमें जो है यहाँ पे डालना है। तो मैं अदर्स बैंक सेलेक्ट करता हूँ, बहुत सारे बंदे का जो है एयरटेल पेमेंट बैंक नहीं होता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे अदर्स बैंक सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। अगर आपका एयरटेल पेमेंट बैंक है तो आप जो है एयरटेल पेमेंट बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है अदर्स का
अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड देना है, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद हमें जो है यहाँ पे कैप्चर फिलअप करना है। तो ये जो है कैप्चर आपको इमेज कैप्चर रहेगा, तो हमें जो है यहाँ पे इमेज कैप्चर को फिलअप कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है, यानी आगे की ओर बढ़ना है। तो जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ देर वेट करना है, थोड़ा प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप होगा। तो चलिए दोस्तों हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे लिंक मर्चेंट क्यूआर पे क्लिक करना है। जैसे ही हम लिंक मर्चेंट क्यूआर पे क्लिक करेंगे अपना हमें जो है यहाँ पे क्यूआर स्कैन कराना है। उसके बाद अगर आप डिफरेंट भी क्यूआर लिंक कराना चाहते हैं तो लिंक अनदर क्यूआर पे क्लिक करना है। उसके बाद दूसरा क्यूआर को हमें जो है यहाँ पे स्कैन करना है। तो मैं दो क्यूआर को स्कैन कर लिया हूँ। उसके बाद हमें जो है यहाँ पे होम पे क्लिक कर देना है। जैसे हम होम पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो देखकर आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिला है। अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।